नमस्कार दोस्तों, मैं सुजीत कुमार सिंह एडवांस एक्सेल ट्रेनिंग सेंटर से आपका स्वागत करता हूं हमारे इस ऑनलाइन क्लासेस में। आप जो वीडियो देखने जा रहे हैं वो हमारी ऑनलाइन क्लासेस की रिकॉर्डिंग है। सुबह की 6 बजे की क्लास है। हमारे साथ रमेश जी, जाहिद जी, तेजेंद्र जी मौजूद हैं। इनके साथ हम वीवीएम माइक्रो पावर प्रोग्रामिंग की आज इफ कंडीशन की टॉपिक करने जा रहे हैं। तो प्लीज इस वीडियो को अंत तक देखें ताकि आपको इफ पूरी तरह से समझ में आ जाए। ये वीडियो इसमें बच्चों की क्वेश्चंस आंसर सब कुछ इसमें अवेलेबल है। एकदम क्लास, एक लाइव क्लास की वीडियोज है। और आप भी इस तरह की क्लासेस ले सकते हैं। आप वेबसाइट iptindia.com पे चले जाएं एंड डेमो क्लास का फॉर्म भर दें और हमारे साथ इस तरह से ज्वाइन कर सकते हैं। अलग अलग कोर्सेज हम प्रोवाइड करते हैं, अलग अलग चीजें प्रोवाइड करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। तो जाहिद जी, तेजेंद्र जी एंड रमेश जी, मैंने आप लोगों की रिकॉर्डिंग अलाउ कर दी है। अपने सेशन को रिकॉर्ड कर ले। ऐसे मैं ये रिकॉर्डिंग यूट्यूब पे आज डालूंगा और आपने चैनल सब्सक्राइब कर रखा होगा तो आपको नोटिफिकेशन आ जाए। यस सर। तो आज की सेशन में हम बात करने जा रहे हैं इफ फॉर्मूले की। जी हाँ, हम बात करेंगे इफ फॉर्मूले की, इफ कंडीशंस की। हमने लास्ट क्लास में आपके साथ इफ कंडीशन किया था, इसमें इफ एंड और किया था। आज हम आपके साथ कंपेयरिंग करेंगे नेस्टेड इफ एंड और किस तरह से परफॉर्म करते हैं वीवीए प्रोग्रामिंग के लिए। जैसे कि हमने आपको बताया था कि इफ फॉर्मूला वीवीए के लिए काफी ज्यादा जरूरी है, क्योंकि किसी भी कंडीशंस को तभी हम हैंडल कर सकते हैं जब हमारे पास इफ हो। और इसका यूज हम आगे की क्लासेस में और ज्यादा से ज्यादा करेंगे। चलिए तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि मेरे पास एक सब्जेक्ट है यहाँ पे, सेल्स। मान लीजिए सेल्स है, हमने कुछ सेल्स के फिगर यहाँ पे दे दिए हुए हैं। एंड कॉपी एंड इसको पेस्ट कर दिया। अब मुझे इसमें क्या करना है कि जो 85 to 95 है, 85 to 95 है, इस पे हमें 800 का इंसेंटिव लॉन्च करना है यहाँ। जिसके लिए हम अगर इफ लगा, सिंपल इफ लगा के इफ में एंड देके हम कर सकते हैं, लेकिन ये चीज हम वीवीए के थ्रू करना चाहते हैं। तो चलिए करते हैं। तो इसके दो तरीके से हम करेंगे। पहला तरीका होगा हमारा एंड और जो कि हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किए थे। दूसरा तरीका होगा नेस्टेड इफ। तो यहां पे हम सब्जेक्ट करते हैं आर आर, या फिर इफ सिलेबस स्कोर 1 हमने पहली कंडीशन ले ली। उसके बाद यहाँ पे हम जैसे जानते हैं कि हम लूप का इस्तेमाल करेंगे 2 से लेके 24 तक के लिए। तो 4i इक्वल टू, चले 2 to 24। और नेक्स्ट आई, और हम करेंगे कंडीशन कि इफ रेंज ए के साथ कंबाइन हो गया एंड में आई डॉट वैल्यू इज ग्रेटर देन इक्वल टू 85 एंड रेंज ए के साथ हमने आई आई को कंबाइन किया डॉट वैल्यू इज लेस देन इक्वल टू 95 देन चेंज बी, बी के साथ कंबाइन हुआ आई डॉट वैल्यू इज इक्वल टू 800 और हमने यहां पे एंड इफ कर दिया। राइट सर, सुरेंद्र जी, जाहिद जी, अमन जी, कोई डाउट इसमें? ठीक है सर। अब इसको हम प्ले करते हैं। प्ले करते हैं, आप देखिए अब डेटा में, एक मिनट, कोई नहीं है 85 के ऊपर, जैसे कोई नहीं था। मैं कुछ डाल देता हूँ, 87, 88, 92, आप देखते हैं।
आ गया, ये पहला तरीका था। अब चलिए इसी को हम दूसरे तरीके से करते हैं विदाउट एंड इस्तेमाल करने, क्योंकि मान लीजिए ना कि इसमें हमें 85 अगर ना हो तो कुछ और देना है, मतलब कि गेट इसमें क्या है कि आपको रिजल्ट एक दे दिया, अब मुझे एल्स रिकॉर्ड में मतलब कि फॉल्स में कि अगर मान लीजिए कि 82 से बड़ा हुआ, 85 से बड़ा हुआ, 95 से छोटा हुआ तो क्या देंगे हम, तो उस केस में हम क्या करेंगे बताता हूँ। अलग अलग एल्स देना है तो मैं इसी को कॉपी करके पेस्ट कर देता हूँ और यहाँ पे टू कर देता हूँ। ओके, इसमें हम दो इफ लगाएंगे, पहले या कि इफ रेंज ए के साथ कंबाइन है हमारा आई डॉट वैल्यू इज ग्रेटर देन इक्वल टू 85 देन। अब यहां पे एक कंडीशन हो गया, इसके अंदर में मैं एक और कंडीशन लगाऊंगा कि इफ रेंज वैल्यू इज लेस देन इक्वल टू 95 देन देन हमारा ये जो है बी वाला पोर्शन यहां पे पेस्ट कर देता हूं और फिर यहां पे एंड और फिर यहां पे एंड। तो हमने एक इफ के अंदर में अपना दूसरा इफ रख दिया। अब मैं इसको प्ले करूंगा तो हमारा रिजल्ट सामने आपके आ जाएगा। मैं दोबारा करता हूं, ठीक है, क्लियर सर। तो इसमें हुआ, अब इसमें बेनिफिट क्या हुआ इसको लगाने से देखिए, क्योंकि इसमें क्या है कि हम एल्स एल्स का एक ही मतलब कि अगर मुझे एल्स का देना पड़ा कि हाँ जो 800 मतलब ये 9 इस कंडीशंस के बाद है तो उसके लिए हम यहाँ पे एक एक ही एल्स दे सकते हैं, एल्स यहाँ पे देते हैं नॉट फिट, ठीक है ना। लेकिन यहां पे हम क्या दे सकते हैं, यहां पे दो दे सकते हैं। पहला हम यहां दे सकते हैं एल्स एल्स यहां दे सकते हैं ओवर 95 कि 95 से ओवर है और यहां दे सकते हैं एल्स सॉरी इस पे मिस्टेक है एल्स और यहां दे सकते हैं बिलो एट। समझ गया सर, देखिए क्लियर है जाहिद जी, रमेश जी, ठीक है सर। वन में ये इल्स लगाया है ना वन में, तो मतलब समझिए बात सिंपल समझिए कि हमारा ये ए हमारा पहला इफ है, ठीक है, पहला इफ का अगर ट्रू है तो फिर दूसरा इफ लगेगा, नहीं तो फिर इस रिजल्ट को प्रिंट कर देगा, फिर दूसरा इफ लगेगा, दूसरा इफ ट्रू है तो आपका फाइनल रिजल्ट को प्रिंट करेगा, अदरवाइज इसको प्रिंट कर देगा। समझ गए, पहला इफ अगर सक्सेसफुल अगर कंडीशन मैच करेगी मतलब कि वो 85 से बड़ा होगा तभी वो दूसरे इफ पे जाएगा, अदरवाइज सीधे एल्स को प्रिंट कर देगा। अब इसको एक सिंपल और तरीके से हमने एंड के साथ ये लगाया था एंड वाला, इसको एक और सिंपल तरीके से लगाया जा सकता है। चलिए एक और सिंपल तरीका हम आपको बताते हैं, ये
वो सिंपल तरीका इफ नहीं है, वो है सेलेक्ट। क्या देंगे, क्या देंगे, सेलेक्ट केस इसके साथ हमने ले लिया। और केस क्या है यहां पे, केस में केस देना है कि 85 to 95, तो रिजल्ट क्या होना चाहिए। और यहां पे एल्स रिजल्ट क्या होना चाहिए, इसमें एक ही रिजल्ट दे सकते हैं, नॉट फिट। और एंड सेलेक्ट, राइट। तो सेलेक्ट केस में हम डायरेक्ट इस तरह से 85 to 95 और भी चीजें दे सकते हैं, इसके एग्जांपल और भी दूंगा, लेकिन सेलेक्ट लगाने का तरीका आपके सामने है। एल्स नहीं भी दोगे फिर भी चलेगा आपका, इसको हटा भी दोगे नहीं जरूरत है, तो सिंपल आपका है, राइट। कि आपने पहले दे दिया सेलेक्ट केस, उसके बाद आपने कंडीशन लगा दी, कई सारे कंडीशन है तो कई सारे कंडीशन आप लगाते चले जाइए, अभी आपको थोड़ी देर में और बताऊंगा। अब चलिए थोड़ा सा एग्जाम्पल को हम बढ़ाते हैं, मैं इसको एक डिलीट कर देता हूं। हाँ मान लीजिए कि मेरे पास यहां पे नेम है और सब्जेक्ट वाइज मेरे पास मान लीजिए कि चार सब्जेक्ट ही है, और फिर मुझे यहां पे इसका रिजल्ट निकालना है, और नेम्स वगैरह हम दे देते हैं, अब मुझे रिजल्ट में पास और फेल देना है। रिजल्ट में क्या देना है, पास एंड फेल, लेकिन पास एंड फेल तभी देना है जब हमारा सारे सब्जेक्ट में ग्रेटर देन 30 हो, राइट। सारे सब्जेक्ट में ग्रेटर देन हमारे पास 30 हो, तो कैसे करेंगे, चलिए इसके लिए कोड लिखते हैं। यहां पे सब्जेक्ट, यहां पे देता हूं इफ 4 ब्रैकेट ओपन। अब यहां इसको एंड के साथ भी कर सकते हैं और नेस्टेड भी कर सकते हैं और स्लैश से भी कर सकते हैं, तीनों एग्जांपल हम आपको बताते हैं। यहां होगा कि इफ, इफ नहीं होगा तो 4 लगाना पड़ेगा पहले, 4 आई इक्वल टू चले 2 to कहा तक 11 तक, ये नेक्स्ट कर ताकि सबके अप्लाई, और ये पता ही आपको। उसके बाद मैं कंडीशन दूंगा कि इफ रेंज ए के, ए नहीं बी होगा यहाँ पे, बी के साथ कंबाइन हो आई डॉट वैल्यू इज ग्रेटर देन इक्वल टू 30। और यहां पे क्या है कि सारे सब्जेक्ट जो है वो फुलफिल होनी चाहिए, तो यहां पे हम एंड इसको पेस्ट कर दिए और बी को हम सी कर दें, और फिर वापस एंड और यहां हम सी को डी कर देते, तीन सब्जेक्ट हो गया, और फिर यहां पे एंड और यहां पे डी ई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा सब्जेक्ट 1, सब्जेक्ट 2, सब्जेक्ट 3 एंड सब्जेक्ट 4, लास्ट में करेंगे देन और यहां पे रिजल्ट हम पेस्ट कर देंगे। अभी नहीं कहा होगा, एफ में रिजल्ट होगा, एफ इक्वल टू पास, और फिर मैं एल्स में दे दूंगा फेल, और फिर यहां पे एंड इफ,
बनाना होगा ना सर। हाँ बना दिया, ठीक है। अब इसको हम प्ले करते हैं, तो ये आपके सामने फेल आ गया। अब मान लीजिए कि मुझे पता करना है कि किस सब्जेक्ट में फेल हुआ है। मानो मैं पहला सब्जेक्ट देना चाहता हूं, तो फिर उस केस में हमारा एंड इस्तेमाल नहीं होगा, क्योंकि एंड कहता है कि आपको मल्टीपल कंडीशन बट सिंगल रिजल्ट। बट मुझे अगर मल्टीपल रिजल्ट चाहिए तो फिर उसके लिए मुझे मल्टीपल कंडीशन वाली एग्जाम्पल अप्लाई करने पड़ेंगे। तो चलिए इसी को हम बता करते हैं नेक्स्ट चैप्टर में। तो यहाँ पे सब्जेक्ट एफ अंडरस्कोर फाइव, दो बार हो गया ब्रैकेट ओपन क्लोज एंड सब यहाँ पे फोर आई इक्वल टू चले 2 to 11 नेक्स्ट आई। अब यहां पे हम नेस्टेडिव देंगे, ध्यान से देखिएगा हमारा नेस्टेडिव। यहां पर इफ रेंज बी के साथ आई को कंबाइन किया डॉट वैल्यू इज ग्रेटर देन इक्वल टू 33 देन एक इफ हो गया। फिर इसके अंदर हम दूसरा इफ लाने डालेंगे जो कि सी कॉलम को चेक करेगा। फिर इसके अंदर हम तीसरे इफ को डालेंगे जो कि डी कॉलम को चेक करेगा, और फिर इसके अंदर तीसरे तीसरे को डालेंगे। अब इस तरह से हम आगे बढ़ा बढ़ा के डाल रहे, इसका मतलब कि ऐसा डालना है, हम इसे डालना ताकि आपको समझ में आए कौन सा इफ किसके अंदर में, ठीक है। और फिर यहाँ पे रिजल्ट देना है इफ, अच्छा यहाँ पे अगर ऐसा हुआ तो रेंज एफ के साथ आई कर दिया डॉट वैल्यू इक्वल टू पास। और एल्स में फेल। लेकिन कौन सा सब्जेक्ट फेल है? चौथा सब्जेक्ट फेल है। और फिर यहां पे ये जो एंड इफ हुआ किसका हुआ? चौथे इफ का हुआ। फिर मुझे तीसरे इफ को भी एंड इफ करना पड़ेगा, तो फिर मैंने तीसरे इफ यहां पे एंटर प्रेस किया और तीसरे इफ को भी मैंने एंड इफ कर दिया। समझ गए सर? यहां पे तीसरा इफ, और फिर हम तीसरा ये ठीक है सर। ये चौथा इफ एंड खत्म हो गया, ये हमारा तीसरा इफ खत्म हो गया। अब बात करते हैं दूसरे इफ की। तो दूसरा इफ भी हमने खत्म कर लिया, और यहां पे सब्जेक्ट टू डॉट फेल और लास्ट में पहला है। समझ में आया सर? जाहिद जी जाहिद जी कुछ बोलिए। तो ये आपका पहला इफ है जिसके अंदर में सरा है, जिसका ट्रू पार्ट में है और फॉल्स पार्ट में हमारा ये है। तो ये चेक करेगा कि अगर ए ग्रेटर देन 33 है तभी वो दूसरे इफ को फॉरवर्ड करेगा, नहीं तो सीधे
यहां इस रिजल्ट को प्रिंट कर देगा, ठीक है। फिर दूसरा इफ अगर फुलफिल हुआ ग्रेटर देन 33 है तो तीसरे इफ को फॉरवर्ड करेगा, अदरवाइज इस रिजल्ट को प्रिंट करके बाहर आ जाएगा, बाकी को रन नहीं करने देगा। देन तीसरा इफ भी सेम ऐसे ही करेगा, अगर रिजल्ट 33 30 या 33 जो भी है उससे बड़ा है तो चौथे इफ को फॉरवर्ड करेगा, नहीं तो फिर कंडीशन यहां देगा और बाहर निकल जाएगा। और चौथा इफ चेक करेगा कि अगर 33 है, मतलब कि चौथा इफ को चेक करने का मतलब क्या है, सारे सब्जेक्ट को चेक कर चुका है, से मतलब यहाँ पे हम पास दे सकते हैं, तो चौथा इफ ट्रू का पार्ट पास हुआ, अदरवाइज चौथा इफ में फेल है तो चौथा इफ यहाँ फेल दिखेगा, राइट। अब चलिए अब सिलेक्ट केस से कैसे किया जाएगा, अब इसी एग्जाम्पल को हम सिलेक्ट केस से करते हैं। सिक्स यहां पे लगाया फॉर्मूला कि फोर आई इक्वल टू चले 1 to 1.22, यहां पे 2 to 11, और यहां पे दिया हमने नेक्स्ट आई, और यहां पे हम लिखते हैं लूप में सिलेक्ट केस, सिलेक्ट देखिए सिलेक्ट केस में ए ए उतना फुलफिल नहीं होगा, अलग अलग लगाना पड़ जाएगा क्योंकि तो अलग अलग है ना, बी के साथ आई का मान होगा डॉट वैल्यू केस इज ग्रेटर देन इक्वल टू 33 रिजल्ट। अब यहाँ रिजल्ट के लिए हम वेरिएबल ले सकते हैं डिम आर एज ए स्ट्रिंग, नहीं सिलेक्ट केस इस पे वर्क नहीं करेगा, क्यों नहीं वर्क करेगा, क्योंकि हमारे पास अलग अलग कंडीशंस है अलग अलग जगह के, लेकिन सिलेक्ट केस सिर्फ एक के ऊपर कई सारे कंडीशन को मैच करती है, समझ गए। तो मुझे अलग हर बार सिलेक्ट केस मैंने कि देना पड़ेगा तो प्रॉब्लम होगी, रिजल्ट तो प्रिंट कर ही देगा वो, इसलिए सिलेक्ट केस इस पे वर्क नहीं करेगा। अब हम इसी में अगला एग्जाम्पल हम बात कर रहे हैं, ध्यान से देखिएगा। मान लीजिए कि ये सब्जेक्ट नहीं है, ये पैन नंबर है हमारे पास, पैन वोटर डीएल एंड पासपोर्ट, और ये नंबर्स नहीं है, यहाँ पे वाई है कि वो पेन नंबर दिया है, पासपोर्ट दिया है, डीएल दिया है, और यहां पे भी डीएल दिया है। तो इसमें क्या है कि आईडी प्रूफ के लिए किसी ने एक दिया है, एक से ज्यादा दिया है, तो यहां पे हमें चेक करना है रिजल्ट में ओके और पेंडिंग, तो जिसका आईडी प्रूफ आ गया चाहे एक हो या एक से ज्यादा हो, कोई एक भी दिया है, किसी ने एक से ज्यादा भी दिया है, किसी ने मान लो चारों दे दिया है, लेकिन कंडीशन कहता है कि एक भी हुआ एक से ज्यादा हुआ तो रिजल्ट में पास और फेल आना चाहिए, राइट सर। तो यूट्यूब आप देख रहे हैं हमारे साथ हमारे लाइव क्लासेस की वीडियो जो कि वीवीएमआई का प्रोग्रामिंग में इफ फॉर्मूले पे चल रहा है, अगर आपको भी इस तरह क्लासेस लेनी है तो वेबसाइट iptindia.com पे जाके डेमो क्लास का फॉर्म भर सकते हैं, और एक दो क्लास डेमो लीजिए, अच्छा लगा तो कोर्स को एनरोल कीजिएगा। तो चलिए हम बात करते हैं अगला टॉपिक के ऊपर, हम बात करेंगे, अब हमने और एंड का मेथड देखा, अब हम बात करते हैं और के मेथड का। तो सब्जेक्ट यहाँ पे इफ 7 ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज, और यहाँ पे फॉर्मूला यहाँ लूप लगाते हैं कि 4i इक्वल टू चले 1 to 11,
नेक्स्ट आई, और यहां पे हम फॉर्मूला देते हैं कि इफ रेंज, ये जो हमने एंड वाला फॉर्मूला लिया था ना, इसी को कॉपी कर लेते हैं। ये एंड वाला मेथड लिया था, इसी को मेथड को कॉपी कर लेते हैं। अब इस मेथड पे चेंज क्या करना है कि एक ग्रेटर देन नहीं, यहाँ इक्वल टू करना होगा, कि इक्वल टू वाई। और ध्यान रखिएगा वीवीए जो है केस सेंसिटिव होता है, माने बड़े छोटे का फर्क रखता है लेटर में। उस फर्क को कैसे हटाया जाएगा हम आगे क्लास में बताएंगे। और यहाँ पे एंड के जगह पे और हो जाएगा, क्योंकि इसको एक कंडीशन भी चाहिए तो रिजल्ट को ओके अपेंडिंग दे देगा। तो यहां पे हमने और कर दिया, और यहां भी हमने और कर दिया, और यहां भी हमने, ठीक है, और यहां पे ओके अपेंडिंग। सिंपल। अब इसको हम प्ले करते हैं, ओके एंड पेंडिंग नहीं है इसमें तो पेंडिंग आ गया। लेकिन इसको इफ की मेथड से क्या, इसके क्या बोलते हैं नेस्टेड इफ की मेथड से कैसे करते हैं, चलिए वो भी हम आपको समझाते हैं। फोर आई इक्वल टू, चले वन टू इलेवन, वन टू से टू से नेक्स्ट आई, और यहां पे कंडीशन होगा कि इफ रेंज बी के साथ हमने आई को कंबाइन किया डॉट वैल्यू इज इक्वल टू वाई, देन अगर वाई हो गया तो यहां पे रिजल्ट दे देना है कि रेंज द वैल्यू ठीक है, क्योंकि एक भी आ गया तो बाकी कुछ करने की जरूरत नहीं है। अगर नहीं हुआ तो हमें एल्स और इफ लगाना पड़ेगा, एल्स इफ रेंज, और इसमें मुझे बी यहां पे सी कॉलन लेना पड़ेगा एंड डॉट वैल्यू इज इक्वल टू वाई। अच्छा इस पे मिस्टेक, नहीं स्पेलिंग नहीं, एल्स इफ, सही था, ठीक है। तो फिर यहां पे ओके होगा, राइट। यही कंडीशन हमारा बाकी कॉलम्स के लिए सेम आएगा। पेस्ट पेस्ट, सी के जगह पे हमारा यहाँ पे बी सी डी एंड ई, लास्ट में हम देंगे यहाँ पे एस, सॉरी हमेशा मिस्टेक हो जाता है, और इसमें हम देंगे पेंडिंग। और लास्ट पे एंड होगा, क्लियर है? क्यों पहले वो चेक करेगा, यहां पे पहले को चेक करेगा, अगर वाई निकला तो यही पे ओके कर देगा और यहां पे इससे आगे नहीं निकलेगा। मतलब इस नेस्टेड इफ में देखिए इसमें क्या था कि अगर पहला चेक किया तो फिर दूसरे को चेक करना है, नहीं पहला अगर फॉल्स हुआ तो बाहर निकलना था, इसमें उल्टा है। इसमें है कि अगर पहला चेक किया अगर फुलफिल हुआ तो आपको यहां पे रिजल्ट देके बाहर निकल जाना है,
बाहर निकाल देगा। अगर पहला रिजल्ट फुलफिल नहीं हुआ तो फिर वो दूसरे रिजल्ट दूसरे कंडीशन को चेक करेगा। तो यही डिफरेंस है एंड और में। एंड कहता है कि सारे कंडीशन वन बाय वन चेक करूंगा, और कहता है एक कंडीशन चेक करो, रिजल्ट मिल गया तो बाकी चेक करने की क्या जरूरत है। समझ गया? तो ये फाइल मैं आप लोगों को भेज दे रहा हूं, इस पे आप लोग प्रैक्टिस करें। कल हमारी इफ की लास्ट क्लासेस है, और कल की क्लास के बाद आपको एक टेस्ट होगी इफ का, बीवीएफ का टेस्ट होगा। उसके बाद फिर हम आपके डाउट्स को क्लियर करेंगे, और फिर अगला टॉपिक जो है हमारा लूप, उस पे हम बढ़ेंगे। क्लियर है? हाँ, फाइल में आपको भेज देता हूँ ताकि आप लोग इसकी प्रैक्टिस सही तरीके से कर सके। और आप लोगों की फाइल मैंने डाउनलोड कर लिए हैं। हम सारे फाइल को एक ही दिन शूट आउट करेंगे, एक क्लास होगा जिसमें सारे फाइल्स पे ही काम करेंगे। और हेलो हाँ जी सर, मैं यार जैसे हम यहाँ पे कंडीशन यूज कर रहे हैं, तो इसको हम एज ए कंडीशनल फॉर्मेटिंग की तरह यूज कर सकते हैं ना? कंडीशन फॉर्मेटिंग में तो ऑलरेडी कंडीशंस लगे होते हैं, इफ लगाने की जरूरत क्या है उसमें? अरे सर इसमें हाँ कर सकते हैं, इसको कर सकते हैं, लूप लगाना पड़ेगा, लेकिन विदाउट लूप नहीं होगा। ठीक है, मैंने फाइल भेज दी है, उसको प्रैक्टिस कीजिए। कल हमारी नेस्टेड इफ की क्लास होगी जिसमें हम आपको इंसेंटिव वगैरह निकालना, ग्रेडिंग सिस्टम निकालना, इन सब चीजों के बारे में डिस्कस करेंगे। और सर एक क्वेश्चन हो रहा है क्या? सर ये अल्फाबेटिक में लूप लगा रहा हूँ तो उसमें कोई दिक्कत नहीं हो, लेकिन सेल्स के थ्रू लगा रहा हूँ तो वो दिक्कत हो रही है। या तो आप नेक्स्ट क्लास में वो चेक कर लेना, सर, आपको अभी फाइल सेंड किया है। बोला था ना कि आपके लूप में प्रॉब्लम है, आपकी सारी प्रॉब्लम को मैं सॉल्व कर लेंगे। एक बार इफ पे प्रैक्टिस कीजिए ना सर आप। ठीक है, फाइन। वो इफ की प्रॉब्लम नहीं है, लूप की प्रॉब्लम है, लूप में कहीं मिस्टेक कर रहे हैं। मैंने बोला था आपको कि लूप आपको थोड़ा सा और डिटेल में पढ़ना है। ठीक है, ठीक है। तो YouTube देखा किस तरीके से मैंने क्लासेस ली, लाई थी, अपने सारे डाउट सारे क्वेश्चन उन्होंने मेरे साथ डिस्कस किए, फाइल्स मिल गई प्रैक्टिस के लिए। और इसी तरह से क्लासरूम भी ट्रेनिंग होती है, और ये लाइव क्लासेस है। सुबह 6 बजे कोई ट्रेनिंग सेंटर आपको पढ़ाएगा नहीं, लेकिन ये क्लासेस हम दे रहे हैं क्योंकि हमारी लाइव क्लासेस इसी तरह से कंडक्ट होती है। तो कोई भी डिटेल के लिए मुझे कॉल कीजिए, मेरी वेबसाइट को लॉग इन कीजिए, मुझे स्काइप कीजिए, व्हाट्सएप कीजिए, हम आपके फोन और व्हाट्सएप का वेट करेंगे।